एवरीवन, राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किससे रिलेटेड है। तो आज हम बात करेंगे कि मेरी जन्माष्टमी की तैयारी कैसे चल रही है। तो थोड़ी थोड़ी तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी है। सो मैंने कुछ शॉपिंग की है जन्माष्टमी की, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने इस जन्माष्टमी के लिए क्या क्या प्रिपरेशन किया है। सो अभी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बात करते हैं कि जन्माष्टमी के लिए मैंने राधा कृष्ण के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। ज्यादा शॉपिंग नहीं की है क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे अभी मैं मार्केट में देख रही हूँ क्या क्या नई नई चीजें आई हैं लड्डू गोपाल जी की। तो मैं अभी इतनी शॉपिंग करके नहीं आई हूँ, थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग करी है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। सबसे पहले जो मैं ये लेकर आई हूँ अपने गोपाल जी के लिए, वो ये है माला। उनके लिए मैं ये माला लेकर आई हूँ, और एक मैं माला लेकर आई हूँ अपनी राधा रानी के लिए। ये दोनों सेम हैं क्योंकि मैं जो जन्माष्टमी में पोशाक पहनाने वाली हूँ वो भी इनकी सेम ही होगी, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें मैं सेम लेकर आऊँगी। इसमें थोड़ा सा बस कलर का डिफरेंस है, आप देख सकते हो, अदरवाइज़ ये सेम है दोनों माला। तो ये दो माला मैंने खरीदी हैं अपने लड्डू गोपाल के लिए और अपनी राधा रानी के लिए। कंगन लिए हैं मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए, और ये लिए हैं मैंने अपनी राधा रानी के लिए। सुंदर सी मैंने 2-in-1 चीज खरीदी है। इसको हम पायल और कंगन के रूप में, दोनों के रूप में ही हम इसे पहना सकते हैं। इसमें भी वही, इसको हम इस तरीके से टाइट कर सकते हैं और लूज कर सकते हैं। तो ये पायल और कंगन दोनों का ही काम करती है। तो ये 2-in-1 मैंने एक ये खरीदा है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। सुंदर सा मुकुट खरीदा है मैंने, अभी मुझे नहीं पता ये किसके सिर पर विराजमान होगा, यानी कि मेरे लड्डू पहनेगा या ये मेरी राधा रानी पहनेगी। बस मुझे पसंद आया तो ये मैंने जो है ये खरीद लिया, आप देख सकते हो। तो ये है हमारा मुकुट, ये है हमारी पायल और कंगन। ये हमने बांसुरी खरीदी है अपने लड्डू के लिए, आपको दिखाती हूँ ये कैसी बांसुरी है। ये इस तरीके से हमारी प्यारी सी बांसुरी है। जो मैंने ये खरीदा है, ये मैंने चोकर सेट खरीदा है, ये दोनों को आ जाएगा, लड्डू गोपाल जी को भी और मेरी राधा रानी को भी। तो देखते हैं किसके श्रृंगार के साथ ये सजता है। ये मैंने ये सुंदर सा ये मोतियन माला हार खरीदा है, ऐसा मेरे ठाकुर जी के पास पहले भी है थोड़ा बहुत सेम, ये बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये मुझे बहुत पसंद है ऐसी मोतियों वाला हार, तो ये भी मैंने अपने ठाकुर जी के लिए खरीदा है। लड्डू गोपाल जी की पतंग है जो भी, ये भी मैंने जो है जन्माष्टमी की शॉपिंग में परचेज की है। सो ये हमारा आज का लास्ट जो है, ये हमारा शॉपिंग का जो आइटम है। दिखाती हूँ सारे आइटम्स मैंने क्या क्या खरीदा है। मैंने ये एक पतंग खरीदी है, और ये एक बांसुरी खरीदी है, ये एक मोती वाला माला सेट माला खरीदा है, और ये भी मोतियों वाला है, ये भी खरीदा है, साथ ये मुकुट खरीदा है, और ये कंगन है, दो पेयर लिए हैं मैंने, और ये 2-in-1 सेट लिया है जो कंगन और पायल दोनों बन सकते हैं हमारे। उसके अलावा जो मैंने लिया है ये चोकर सेट, ये चोकर है, ये सब आइटम जो है ये मैंने खरीदी हैं जन्माष्टमी की शॉपिंग के लिए करी है जो मैंने अभी, उसमें मैंने ये सब खरीदा है। अभी शॉपिंग चल रही है, अभी ये पार्ट 1 है, तो आप देखते जाइए ठाकुर जी और क्या क्या हमसे अपनी सेवा में कराते हैं, आप देखते जाइए। अभी तो ये पार्ट 1 है, अभी तो जन्माष्टमी को काफ़ी दिन है आने में, तो इतना लड्डू गोपाल जी ने अपने लिए मंगवाया है सामान।
ये थी मेरी जन्माष्टमी की थोड़ी सी शॉपिंग जो कि मैंने अभी रिसेंटली ही करी है। अभी तो बहुत दिन बाकी हैं जन्माष्टमी को, तो देखते हैं अभी मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या मैं अपनी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व करूँगी। वो अभी सब मैंने प्लानिंग नहीं करी है, ये जस्ट थोड़ी सी शॉपिंग मैंने जन्माष्टमी की है, तो मैंने सोचा आपको वीडियो दे दी जाए। इस वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बता दो कि आपको सबसे अच्छा आइटम कौन सा लगा, और अपना जन्माष्टमी का भी बता दो मुझे जल्दी से कि क्या क्या प्लानिंग कर रहे हो, ताकि मुझे भी आप लोगों से थोड़ा से आइडियाज़ मिल जाए। लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय, राधे कृष्णा।